मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं इस उदयन किड्स के आशियाना नगर कैंपस में। आप सब ने इतनी दूर से आए मीडिया बंधु, आज रविवार के दिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उदयन किड्स एक कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चों की नर्चरिंग करते हैं। जब बच्चे 2+ एज में चले जाते हैं उनकी नर्चरिंग शुरू हो जाती है, और इसका हमने पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू किया। राजू बाबू सिन्हा हमारे साथ हैं। राजू बाबू सिन्हा अपने अंडर में मोर देन 2000 किड्जी के सेंटर्स को उन्होंने बनाया, और मैं खुद IIT से बीटेक करने के बाद 92 में IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद ही बच्चों को नर्चरिंग कर रहा हूँ। सो मैं प्राइमरली मेरा फोकस स्कूलिंग और कोचिंग पे रहता है, लेकिन ये मैंने फील किया है कि जब बच्चों का बेस अच्छा होता है तभी जाके बच्चे आगे अच्छा कर पाते हैं। और ज़्यादातर स्कूलों में इसका चैलेंज है कि छोटे बच्चे जब हमारे होते हैं उनकी प्रॉपर नर्चरिंग नहीं हो पाती, बिकॉज उनके पास ट्रेन स्टाफ नहीं होते। उसको लोग समझते हैं, खास करके बिहार में ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक बच्चा 5-6 साल का नहीं होता है तो पेरेंट के दिमाग में ये रहता है कि उसको भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई अलग चीज़ है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऐसी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं जो बचपन में ही बच्चों के अंदर आ जाती हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद वो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ खास करके जो बच्चों का अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है वो प्राइमरी स्कूल में ही बिल्ड हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, फोनेटिक्स, इनकी क्रिएटिविटी, इनका किस तरह का एप्टीट्यूड है वो शुरू से ही दिखने लगता है। कहते हैं होनहार बिरवान के हो चिकने पात, मॉर्निंग शो द डे। जब बच्चा 2 साल से तीसरे साल में जाता है तो उसकी प्रतिभा झलकने लगती है। सो हमारे पूरे टीचर्स का ये और समाज का दायित्व तो है कि हर बच्चा हमारा टैलेंटेड हो, हर बच्चा यूनिक हो, हर बच्चा हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसका प्रयास हम शुरू से करें। उदयन किड्स एक प्रीमियम डे केयर और प्री स्कूल है। प्रीमियम यानी कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट। पूरा एयर कंडीशन माहौल है, पूरा ग्रीनरी है, पूरा नेचर के साथ है। जो हमारा आशियाना के भी है वो ये कि हम बच्चों में ईश्वर को देखते हैं। सो बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा, तो सबसे पहले हमारा फोकस ये रहता है कि हर बच्चा हमारे लिए ईश्वर की तरह है, और उसका बेस्ट जो सर्विस मिलना चाहिए उसके ग्रोथ के लिए वो मिलेगा यहाँ। दूसरा, जैसा सर ने कहा, सेफ्टी, बच्चों के लिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। और तीसरा, हमारा बच्चा जो हो द बेस्ट हो, इसके लिए हमारी पूरी जो प्रोसेस है बच्चों का पढ़ाने का नहीं, सिखाने का, लर्निंग का, सेल्फ लर्निंग का, उसमें एक्टिविटीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है। किसी भी स्कूल में हमसे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कराता होगा। ऑलमोस्ट 56 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है जो थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों को सिखाते हैं। तो 56 एक्टिविटी, इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, ऑल टाइप्स ऑफ, जितने भी हमारे रिलीजन हैं, जितने भी हमारे धर्म हैं, उनसे जुड़े हुए फेस्टिवल हैं। चूँकि हमारा बच्चा आगे सेकुलर हो, हमारा बच्चे का आउटलुक डिफरेंट हो, एक हमारा प्रॉपर सिटीजन बने इस देश का, इसका हमारा फोकस रखता है। और ये बचपन से ही हम उसके दिमाग में डाल देते हैं कि सर्वधर्म, हर धर्म हमारे लिए एक है, सब है, सारे हमारे बराबर हैं, और हम सबके प्रति सहानुभूति रखें, सबको हम मदद करें, ये हमारे अंदर आना चाहिए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।